नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों समय देखते देखते बीतते जाते हैं। ग्रहों के बदलते जाल हमारे जीवन काल में परिवर्तन करते रहते हैं जे दोस्तों, और अगर हम समय के साथ अपने जीवन काल में बदलाव नहीं लाते हैं तो दोस्तों हमारा जीवन काल जहाँ का तहाँ रह जाता है। यूँ कहें तो कई बार हमारे जीवन काल में गिरावट भी आ जाती है जे दोस्तों, और ऐसे ही आपके जीवन काल में हो रहा है। लेकिन दोस्तों आज का यह वीडियो आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपके जीवन काल में घटनाएं चल रही है इनके अनुसार आपको एक ऐसी चीज़ है जिन्हें अब नहीं दोहरानी है, एक ऐसी गलती है जिन्हें आपको नहीं करनी है जो दोस्तों, और यह गलती करते हैं तो दोस्तों आपको आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों आज से ही अपने जीवन काल में आप यह एक चीज़ है जिन्हें किसी और को बिल्कुल भी ना दें जे दोस्तों। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, आप इन्हें अंत तक देखिएगा, क्यों दोस्तों जैसे ही आपको अपने पिछले समय में देखा होगा कि कैसे आपके जीवन काल में कौन सी घटनाएं हुई है, आपको अच्छे फल प्राप्त नहीं हुए हैं जितना आपने मेहनत किए हैं, और कष्टतम जिंदगी आपका अभी भी चल रहा है जे दोस्तों। अगर आप इनसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो दोस्तों निवेदन आपसे यही है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। अंत तक अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो दोस्तों आपको वह एक चीज़ के बारे में पता चल जाएंगी जिन्हें आपको किसी को भी नहीं देना है, और इन्हें अगर आप किसी को नहीं देंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल में कोई भी परेशानियां नहीं आएंगी, और अगर आपके जीवन काल में कोई परेशानियां नहीं आएंगी तो दोस्तों आपके जीवन काल में खुशियाँ और सफलताओं का भंडार लग जाएगा जी दोस्तों। इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि बदलते ग्रहों के चाल के साथ साथ आप सभी के जीवन काल में अब कौन सी घटनाएं होंगी, आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहना होंगे, साथ ही बात करेंगे कि आपको वह कौन सी एक चीज़ है जिन्हें अब आपको किसी को भी नहीं देना है, आपके घर के माहौल में पारिजन में क्या क्या बदलाव, कौन से सुधार होने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा, हर एक बात आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। उससे पहले दोस्तों जो भी बात वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का और अपनी माता का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आपका सोच समझकर निर्णय लेना और कोशिश करके अधिकतर काम स्वयं ही निपटाना आपको अवश्य ही अपने कार्यों में सफल करेगा। कोई रुका हुआ पैसा टुकड़ों में मिलेगा, परंतु इससे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर ही हो जाएगी। इसको उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में सामाजिक क्रियाकलापों पर अवश्य ध्यान दें, ज़्यादा आत्म केंद्रित होना भी मान हानि दे सकता है। कभी कभी किसी विषय पर गहराई से जानने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप कभी कभी किसी विषय को गहराई से जानने की आपकी इच्छा भी आपको अपने विशेष लक्ष्यों से भटका सकती है, तो दोस्तों यश में आपको इन सब चीज़ों को लेकर सावधान रहना चाहिए। इसको उपरांत दोस्तों यशों में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पैसे से संबंधित बातों पर यश में आपका अधिक ध्यान बना रहेगा। पैसे से संबंधित तकलीफें को दूर करने के लिए आपकी कोशिश इसमें जारी रहेगी, और इनकी वजह से किसी बड़ी समस्या का समाधान भी यश में आपको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों यश में आप पर बने हुए कर्जे को दूर करने की आपकी कोशिश जल्द ही सफलता में बदलने वाली है। इसको उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि ग्रह गोचर आपके लिए उचित समय का निर्माण भी कर रहा है। आप अपनी सूझबूझ तथा बुद्धिमत्ता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को सफल आप कर पाएंगे। दोस्तों किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद भी यश में आपके लिए बहुत ही उत्तम शब्द होगा। इसको प्रांत दोस्तों यश में ध्यान रखें कि बच्चे का अपनी पढ़ाई से ध्यान भटक रहा है, मनोरंजन के साथ साथ उनकी पढ़ाई पर भी एकाग्रता रखना जरूरी होगा। दोस्तों यश में अपने गुस्से पर काबू रखें तथा गैर कानूनी कार्यों में ना उलझें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपके लिए मिला जुला ये जो समय है फल देने वाला समय होगा। दिन की शुरुआत में सफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ी सी आपकी कठिनाइयाँ बढ़ सकती है, काम आपका बढ़ सकता है। आपका विश्वास बनाए रखने के लिए आपको परिवार का खास व्यक्ति या फिर भाई का बहन का पूरा सहयोग मिलेगा। इसको प्रारंभ दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपकी मेहनत और आत्मविश्वास की वजह से सफलता आपके नजदीक आएगी। हर बात को गहराई से समझना आपका विशेष गुण रहेगा। आय के उचित मार्ग भी यश में प्राप्त होंगे, कोई पैतृक संपत्ति संबंधी लाभ होने की भी योग बन रहे हैं। इसको प्रारंभ दोस्तों यश में
आपके लिए समझूंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में बदलते परिवेश की वजह से आप जो भी प्लानिंग किए हैं वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। बीमा या फिर निवेश संबंधी कार्यों के लिए जो समय है अनुकूल समय होगा। घर में किसी प्रिय संबंधी का आगमन भी हो सकता है। दोस्तों आपसी मेल मिलाप आपको यश में खुशी देने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अधिकतर समय घर से बाहर गतिविधियों में भी बीत सकता है, परंतु इसका कोई उचित परिणाम भी आपको हासिल नहीं होगा। इसलिए दोस्तों कोई भी नकारात्मक बात आपको वर्धित कर सकती है, इस बात पर ध्यान दें, जिसका असर आपके श्वास पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों इनको लेकर यश में आपको सचेत रहना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सेहत की तरफ ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। काम की बातें की वजह से आपकी भागदौड़ी बढ़ सकती है। परिवार से संबंधित जिम्मेदारी भी आपके ऊपर बढ़ सकती है दोस्तों, जिसकी वजह से आपको तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ बातों को पूरा करने के लिए किसी की मदद की जरूरत भी यश में आपको पड़ सकती है। करीबी लोगों से खुलकर मदद मांगने की आवश्यकता होगी, अवश्य आपको मदद प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में व्यावसायिक स्थल पर कुछ सुधार संबंधी परिवर्तन होंगे। उसमें वास्तु समस्त नियमों का अवश्य पालन करें। दोस्तों यश में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, क्योंकि दोस्तों कुछ गलतियां होने की संभावना बन रही है। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति का सलाह आप यश में अवश्य लें। इसके उपरांत दोस्तों मार्केटिंग व फिर सेल्स से संबंधित कार्यों को पूरे ना होने की वजह से यश में आपके ऊपर तनाव भी बन सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें, कार्यस्थल पर किसी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए तथा वर्तमान के कार्यों पर ही आपको ध्यान को केंद्रित रखना चाहिए। दोस्तों कर्मचारियों की गतिविधियों में संबंधित परेशानी खड़ी हो सकती है, परंतु दोस्तों तनाव लेने के बजाय समझदारी से हल निकालना आपके लिए ज़्यादा उचित होगा, तो इन पर ध्यान दें। इनसे दोस्तों आप समस्या का हल भी निकाल पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में खान पान से संबंधित व्यवसाय में धीरे धीरे सुधार आएगा। अपने काम की क्वालिटी पर और अधिक ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। ऑफिस में भी काम की जो है बहुत अधिकता रहेगी। ओवर टाइम भी आपको यश में करना पड़ सकता है। दोस्तों यश में आपको बता दें कि नई नौकरी की तलाश करने वालों को सफलता प्राप्त हो सकती है और कहीं पर आपको एक अच्छा नौकरी मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना आपको करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों अपने कार्य करने की प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने की आपको जरूरत होगी। जल्दबाजी ना करके धैर्यपूर्ण कार्यों को संपन्न करें। दोस्तों ये आपके लिए उचित होंगे। यश में नौकरी में कोई प्रमोशन मिलने के भी योग बन रहे हैं। जो भी यश में नौकरी में जातक हैं उनके लिए समय चांदी ही चांदी रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में जीवन साथी के साथ संबंध आपका मधुर बना रहेगा तथा घर परिवार की जरूरतों पर भी आपको ध्यान देना आपके लिए यश में जरूरी होगा, तो इन पर जरूर ध्यान दें। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि जाने अनजाने में पार्टनर के प्रति लापरवाह आप हो सकते हैं, तो दोस्तों यश में इन सब चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपका प्यार यश में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके उपरांत दोस्तों अत्यधिक व्यस्तता के कारण परिवार पर आपका ध्यान नहीं होगा, जिसकी वजह से घर में अव्यवस्था भी रह सकती है। तो दोस्तों सब काम के साथ साथ आपको घर परिवार को भी समय देना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में पारिवारिक माहौल आपका खुशनुमा बना रहेगा। नज़दीकी लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपको तनाव मुक्त रखेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ संबंध आपका मधुर बनाकर रखने में आपका योगदान जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में और अधिक यश में मधुरता बढ़ने वाली है। इसके साथ दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी हेल्थ को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में अत्यधिक काम की वजह से मानसिक और शारीरिक थकान हो सकती है। कुछ समय हल्के फुल्के मनोरंजन में भी व्यतीत करें और मेडिटेशन में भी अवश्य ध्यान दें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि गुस्से और उत्तेजना पर आपको काबू रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर आदि की समस्या बढ़ सकती है, तो दोस्तों यश में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही दोस्तों नज़ला जुकाम जैसी परेशानी भी आपकी बढ़ सकती है। काम के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए।
इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें अगर आप सावधानी को रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य यश में बहुत ही अच्छा रहेगा। यूरिन इन्फेक्शन जैसी दिक्कत जिनको है यश में, उनको सावधान रहने की आवश्यकता होगी और उचित समय पर इलाज लेने की भी आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये थी ग्रहों की स्थिति जो कि आपके जून काल में घटित होने वाले हैं। तो आए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि अब आपको अपने जून काल में वह कौन सी एक ऐसी चीज है जिन्हें बिना जाने बिना सोचे समझे आपको किसी पर नहीं करना है और ना ही किसी को देना है। जे दोस्तों वह चीज है आशा और विश्वास की डोर। जे दोस्तों क्यों दोस्तों आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की है और हमने किस पर विश्वास किया है। जे दोस्तों तो अब से आप अपने जीवन काल में आने वाले समय में सोच समझ कर ही किसी पर विश्वास करें और सोच समझ कर ही किसी से आशा करें। क्यों दोस्तों जहां आप बिना सोच समझे ऐसे कार्य करते हैं तो दोस्तों वहां पर आपको भारी नुकसान होता है और इनसे दोस्तों आपके मानसिक संतुलन भी खराब होते हैं, जिससे दोस्तों आपको कार्यों में मन नहीं लगता है। इनसे दोस्तों आपके जीवन काल में परेशानियों का आपको भारी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों यह समय से आने वाले जीवन काल में आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो। वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, जिसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ता। जी दोस्तों और इसके साथ दोस्तों आने वाले जीवन काल में आप किसी पर विश्वास ना करें। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या गलती कर दोगे उसके पास, तो दोस्तों उस दिन वह आपकी सारी अच्छाई भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। जी दोस्तों और पिछले समय में भी आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएं हुई है, तो दोस्तों अब से आपको अपने जीवन काल में इन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं दोहराने हैं। अपने विश्वास की डोर को किसी को ना देना है और ना ही किसी को बिना जाने समझे उन पर विश्वास करना है। तो दोस्तों आने वाले समय में आप इन गलतियों को ना करें। दोस्तों अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही और जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।